तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और वेलकम है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। तो ये पार्ट है 11 रावण मेकिंग सीरीज़। और रावण तो भाई मेकिंग पूरी हो चुकी है, बस अब उस पर कलर डिज़ाइन वगैरह रह रहे हैं। ब्राउन पेपर चढ़ा दिए थे, वाइट पेपर चढ़ा दिए थे, अब इस वीडियो में उसके वेपन वगैरह बनाएंगे। तो फिलहाल मेरे पे यार बांस ख़त्म हो गया ना, तो जैसा भी थोड़ा बहुत शस्त्र वगैरह बनेंगे बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, बाकी एक चीज़ बोलनी थी यार, घर वगैरह पे यार अभी मत आओ यार, विजिट मत करो, बहुत बच्चे आ रहे हैं बार बार देखने के लिए यार रावण। तो यार थोड़ा अभी ना स्किप करो, मानता हूँ यार आपकी भी एक्साइटमेंट है या जो भी है, आई अप्रिशिएट, बट थोड़ा यार अभी स्किप कर सकते हो यार, अभी ना मत आओ, क्योंकि रेडी भी नहीं है। और मैं कई बार होता भी हूँ घर पर और नहीं भी होता, फिर बच्चे वापस जाते, अच्छा नहीं लगता। और जब रेडी हो जाएगा यार तो मैं अपने आप खुद बोल दूंगा, दशहरे पे आप आ सकते हो, दशहरे पे आना। बाकी अभी थोड़ा यार प्लीज़ समझो, स्किप करो यार। फिलहाल भाई कुछ ये बास मेरे पे रह रहे हैं, और रावण दिखा दूं मैं आपको जो रखा है रावण, अगर किसी ने नहीं देखा तो। ढक रखा मैंने क्योंकि वाइट पेपर चढ़ा दिया ना, गंदा हो जाएगा। जिसने नहीं देखा, ये पैर थे, घुटने वगैरह मैंने सब कुछ बनाए थे, और बाकी कहीं और रखा है रावण सेफ। तो शस्त्र बनाएंगे ना, जो भी वेपन वगैरह उसके, तो हाथ निकाला था फोर आर्म, क्योंकि उसका साइज़ का बनाना है ना, हाथ का साइज़ लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से तलवार वगैरह बनेगी। तो एक हाथ निकाल लाता हूँ मैं, फिर उस हिसाब से काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक फोर आर्म लिया है उठा के, हाथ दिखा दो, किसी ने नहीं देखा हो, न्यू ईयर है तो कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ से साइज़ वगैरह लेने है, मैं थर्माकोल भी उठा लाया, जो बचा हुआ था बांस वगैरह ब्लेड सब कुछ लिया है। मैं देखता हूँ क्या इससे तलवार बन सकती है, इतनी काट के इसको ऊपर जोड़ के इसको फिर शेप राउंड में देखे क्या इससे बन सकती है तलवार। ट्राई करते हैं, अगर लग रही है बढ़िया, लग रही क्या भी पाड़ूंगा थोड़ी, पहले इतना साइज लेता हूँ इतना, क्या बढ़िया लग रही है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। भाई इसमें है ना 3D बन जाएगी बढ़िया तलवार, बास से है ना वाली शेप आएगी नहीं जो इससे आ जाएगी, तो इससे है ना इसी से बनाते हैं। चलो बाकी नीचे पकड़ने वाला हिस्सा बास से बना देंगे। अभी मैं बात कर रहा था ना भाई, स्टार्टिंग में बात की थी मैंने जस्ट कि बच्चे आ रहे हैं बार बार परेशान करते हैं बहुत। मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो बाहर से जा रहे हैं आवाज़ मारते हुए, एक बोरा गेट पे, ये देखो आवाज़ मार रहा है, कौन है भाई? अबे रुक जा, खेत खोल रहा हूँ, इस पे मत चढ़ो। ये देखो कितने बच्चे आ गए, अबे रख दिया रावण। ये बताओ तुम्हें घर किसने बताया? क्यों बताया? देखने आया था चेस्ट वेस्ट। चेस्ट रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है भाई। कुणाल भाई का रावण बड़ा मस्त बनता है प्यारा। कहां से आए तुम? चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को डंका से सब्सक्राइब करो। आए कहां से? तो रावण से आया आपको, आपको स्पेशली रावण देखने, स्पेशली चल ले टांग तो पड़ी है वो देख जा। बेटा जो भी घर बता रहा है ना उसकी टांग मैं तोड़ूंगा, ये ले देख ले टांग ये। आप लोग बना रहे हो क्या अभी? है ना, हां गाइस देखो ये, अबे ऐसे बार बार मत आया करो, ठीक है? कुणाल भाई के अभी तो आए हूं भाई। हां और सबको मत बताया कर अब बार बार, ठीक है? ठीक है, तलवार का काम चल रहा है। हमने भी बनाया है, पता है कल से कितने बच्चे आ चुके हैं? वीडियो में लेता नहीं हूँ मैं, बहुत बच्चे आ रहे बार बार। मैं चेस्ट भी देख ली आपकी, तो देख ली ना, हमने भी बना ली चेस्ट आपकी। चेस्ट कहाँ पर है? रखा हुआ है कहीं और, सामान अभी इसका काम चल रहा है, तलवार का, तलवार बनेगी इससे। सामने गाइस अब हमको मिलते, कल मिलेंगे गाइस। अबे कल वाली नहीं, अब दशहरे पे आना सीधा। ओके भाई, वहां पर फोड़ोगे रावण? यहीं कहीं लगाएंगे आसपास। हैं कृष्णा पार्क में? कृष्णा पार्क कहां है? यहीं गुलाई बाग में ही है। अच्छा वहां पर प्रताप नगर आ जाना, बाल में खेलते हैं। अच्छा भैया प्रताप नगर आ जाना भाई, चैनल को जरूर लाइक, प्रताप नगर आ जाएंगे, आ जाएंगे भाई, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद। ओके 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 भाई, कुणाल भाई के इतना मस्त मस्त रावण बनते हैं भाई। अरे ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल काम कंटिन्यू करते हैं, और यार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज भाई बार बार मत आओ यार। तो भाई फिलहाल कैसे करना है, मैंने काट लिए थे, इसको ऐसे ज्वाइंट करना है यहाँ से और यहाँ से, इतनी बड़ी कुछ तलवार हो जाएगी। फिर उसके बाद ना यहाँ से धार कर देंगे, शेप कर देंगे इसे। फिलहाल जोड़ने के लिए मैं पता क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी डंडियाँ ले रहा हूँ, इसमें घुसाऊँगा, अटैच करके ऊपर से टेप लगा दूंगा या फेविकॉल वगैरह कुछ भी अटैच हो जाएगी। तो भाई अब मैंने देखो ज्वाइंट कर दिया, टेप भी लगा दिया यहाँ पर, परफेक्ट पक्का हो गया। अब इसमें है ना धार लगानी है, वो करते हैं। भाई फिलहाल मैंने कुछ शेप दिए ऐसे, बाकी पेपर चढ़ेगा ना तब एकदम परफेक्ट हो जाएगी।
बाकी अब इसका नीचे का जो काम करना है ना पहले, हाँ सॉरी वो आर्क तो लगा दूँ, यहाँ से आर्क लगाता हूँ। तो भाई मैंने कुछ ऐसा ओवल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके ऊपर ये तलवार टिकेगी, कुछ ऐसे ऐसे लगेगी भाई, मस्त ऐसे लगेगी, बढ़िया। ठीक है, एक काम करता हूँ, जो ये ऊपर वाला है ना हिस्सा, ये इसका है ना और बड़ा ओवल बनाता हूँ, ये नीचे वाला हो जाएगा ये। और भाई देखो नीचे मैंने कुछ ऐसा लगाया है, जो इसका ऊपर वाला ओवल आएगा ना वो आएगा अलग, ठीक है। ये है अभी ये वाला ऊपर वाला, बस ये सॉरी नीचे वाला, ये ऊपर वाला ना लगाना है और फिर ऐसे राउंड में वो बनाना है। तो थर्माकोल तो ख़त्म हो गया, पहले मैं थर्माकोल ले आऊँ यार, थर्माकोल ही तो मेन काम हो रहा है यहाँ पर। ऊपर वाला सर्कल है एक, तो नीचे वाला थर्माकोल से बना लिया, ऊपर वाला बनाएंगे कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड है कुछ मैंने हाफ कर लिया है, इसकी शेप देंगे ओवल, इसकी शेप थोड़ी बड़ी होगी, चौड़ा भी इससे थोड़ा सा, और शेप देंगे थोड़ी सी बड़ी जो इस पर टिक जाए, और फिर उसके बाद साइड से ऐसे करके कुछ होगा और ये इसके ऊपर लगाएंगे। फिर पहले ये काट लूँ, सजेशन दूंगा मैं आपको, अगर आप ऐसी कोई चीज़ बनाया करें तो है ना थोड़ा वेस्ट मटेरियल ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो अच्छा है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो जाएगा, रिसाइकल में हो जाएगा, रिसाइकल कह रहा हूँ, रीयूज़ में हो जाएगा। रीयूज़ और रिसाइकल अलग होता है ना, रिसाइकल तो भाई वापस साइकिल होकर न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ में हो जाना, तो रीयूज़ कर सकते हो आप इससे। हैंडल देखो भाई मैंने इस चीज़ से बनाया है कार्डबोर्ड को, ओ सॉरी कार्डबोर्ड कहता हूँ, गत्ते वगैरह पड़े थे उनको फोल्ड किया। अब ये लगेगा कुछ ऐसे, और ये इसका नीचे का हैंडल हो जाएगा कुछ ऐसे, ये बताता हूँ कैसे जॉइंट होगा। तो देखो फाइनली भाई तलवार कुछ इतनी रेडी हो गई है भाई, इतनी बड़ी है, कम से कम है 4.5 फीट की भाई तलवार ही तलवार हो गई है। देखो हैंडल लगने के बाद देखो कुछ ऐसी लग रही है अभी ना यार, बहुत ज़्यादा है वो है मतलब कमज़ोर है अभी, क्योंकि थर्माकोल की है ना, इसमें कोई ऐसा कुछ खास सपोर्ट है। इसके ऊपर ब्राउन पेपर या मतलब लई लगा के पेपर लगा दूँगा ना एक नंबर की, पक्की हो जाएगी फिर, उसके बाद नील नहीं कहीं। अब यहाँ पर लगाना है बस एक हैंडल, उसके बाद काम ख़त्म। देखता हूँ शायद इनसे ही लगा देता हूँ जुगाड़ करके, फिर पेपर लगा के बढ़िया सेट हो जाएगा ऐसे करके कुछ। फाइनली एक वेपन हमने रेडी कर दिया है, तलवार भाई, तलवार बढ़िया लग रही है कुछ भी कहो, बस इसमें यार पेपर वगैरह चढ़ाना है, वो बढ़िया चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो यार सारा काम ख़राब हो जाएगा। पेपर चढ़ा के अभी रखना पड़ेगा इस पर, जब ये हार्ड होगी, अभी तो भाई ढीली ढीली सी हो रही है ऐसे ऐसे। तो वाइड एंगल में छोटी लग रही है पर ये बहुत बड़ी तलवार है भाई, बहुत बड़ी तलवार है, हाथ देखो ना, हाथ के हिसाब से देखो कितनी बड़ी लग रही है। और मैंने हैंडल लगा दिया भाई कुछ साइड से ऐसे, ये देखो इसे पेपर लगेगा ना उससे होगा, अभी तो हम नीचे कुछ भी यूज़ करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसी लग रही है भाई कुछ, इसे मैं सोच रहा हूँ या तो इसे पेपर चढ़ाऊँ पहले, ये दूसरा हथियार बनाऊँ, पहले पेपर चढ़ाते यार इसे ना, साइड करते रखते, कंप्लीट करके रखते, कोई भी चीज़ बनाओ कंप्लीट करके छोड़ो। फाइनली भाई अपनी लई रेडी है ग्लू, बाकी ब्राउन पेपर कुछ निकाल लिए, ब्राउन पेपर लगाएंगे इस पर, अब मैंने खड़ी कर दी है, खड़ी खड़ी पे ही लगाएंगे क्योंकि ना अभी परफेक्ट उस पर है एंगल पे, ऐसी रह जाएगी सूखने के बाद भी है। तलवार रेडी है, बस यार इसका जॉइंट की दिक्कत हो रही है थोड़ी, जॉइंट इसका सही हो जाए ना, सूख जाए बढ़िया से एकदम कड़क, तो बढ़िया हो जाएगी भाई तलवार। देखो लग रही है ना भाई बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। इसके प्रॉपर साइज़ की जो इसका हाथ है ना ये वाला, इसके प्रॉपर साइज़ की बनाई है मैंने। अब दूसरा क्या बनाए, पहले बार ना सामान समेटा जाए थोड़ा, फिर जो नई चीज़ बनाते हैं वो देखते हैं। फिलहाल तार तलवार उधर सूख रही है और नया वेपन हम बना रहे हैं, देखता हूँ मैं बाहुबली वाला, बाहुबली में बल्लाल देव के हाथ में था ना वो गदा टाइप, उसमें नोकीली से होती है, हाथ में चैन होती है, वो वाला बनाए, मज़ा आ जाएगा भाई अगर वो बन जाए। यार मेरे बास नहीं है, नहीं तो है ना बड़ी और चीज़ बनाते बढ़िया। देखो कुछ इस टाइप का बनाएंगे, हाथ में इतना ऐसे मतलब सिलेंड्रिकल शेप का कुछ, उसके बाद चैन टाइप बनाना है कुछ,
और ऐसे टाइप का, ये मतलब नीचे लटका देंगे, नीचे लटका रहेगा, और ये हाथ में ऐसे टाइप का कुछ बनाते हैं। पहले तो हाथ में सिलेंड्रिकल शेप के लिए साइज़ ठीक है भाई, और बाद में जो चैन लगेगी वो कुछ ऐसे लगेगी, फिर उसके बाद ये गोल सा बनाना है कुछ। गोल के लिए मेरे पे इतना सारा बास पड़ा है बस, बाकी वो तो ख़राब है भाई, देखते इतने में बन गया तो भाई बढ़िया मज़ा आ जाएगा। बाकी चलो कोशिश करते हैं, बनाते हैं भाई। ये चैन देखनी पड़ेगी यार, चैन किस चीज़ से बनेगी यार, ये बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ है यार। चैन अखबार से बना देंगे राउंड करके, ये हो सकता है, या कार्डबोर्ड वगैरह से बनाएंगे भाई। कोशिश करी है तो भाई करना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। सबसे पहले सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं इसकी। फ़िलहाल भाई कुछ देखो, मैंने ये ऐसा कुछ बनाया है, यहाँ से स्क्वायर में दे दिया, पीछे से गोला, और इसमें बास भर के फिर वो जो अलग चीज़ बनानी है ना, गोला टाइप क्या बनाना था देखता हूँ अभी फ़ोटो वगैरह में। और कुछ तार काटी है ये, और ये पूरा ना करके बताता हूँ कैसे करना है, अभी पेपर भी चढ़ा देंगे। ये हथियार का काम ख़त्म करना है भाई आज, कल से पेंट वगैरह का काम चालू कर देंगे, चेस्ट वगैरह सारी चीज़ों पे। ये तो लास्ट में यार मैंने आइडिया आया, बना लेते हैं, नहीं तो यार खाली हाथ अच्छे नहीं लगते भाई। फाइनली जो हाथ में देना है स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल शेप जो बनानी थी, सिलेंड्रिकल तो हालांकि मैंने नहीं बनाई, थोड़ी सी अलग बनाई है, और यहाँ पर क्रॉस दे दिया है, और इसी से चैन अटैच होगी इससे, क्योंकि ना चैन यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता तो किससे अटैच होती, इसलिए क्रॉस दे दिया मैंने। प्लस मान लो कुछ भी, मान लो क्रॉस हो गया, प्लस हो गया, दोनों ही चीज़ें कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर दे दिया है मैंने। अब इस पर इसका काम ख़त्म। एक अब बॉल टाइप की कोई चीज़ बनानी है जिसमें से चैन निकल के ऐसे आएगी, वो बनाने की तैयारी चालू करते हैं। तो भाई ये नीचे का गोला कुछ बन गया, और ऊपर का भी भाई कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर। ये मतलब ये पूरा ना हमें राउंड बनाना है। राउंड ना आप कैसे बना सकते हो, ये गोला बनाया था ना बीच का, ये बहुत सारे बना के आपस में अटैच करके वो भी बन सकता है, पर मैंने ऐसे टाइप का इसलिए बनाया, मेरे पे ना भाई बास की कमी थी, मेरे पे बास हो चुका ख़त्म, तो ये अब सारे बास वापस ऐसे भर के राउंड सर्कल में बना के ये कंप्लीट करते हैं, फिर बताता हूँ मैं इसमें ये थीम क्या है, कैसे चैन वगैरह सब कुछ है। पहले मैं बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये लो भाई आज तीसरे सब्सक्राइबर हो रहा गया, आ जाओ भाई आ जाओ। अकेले आयो, कहाँ से? अच्छा दोस्त है, बुला लो। तो भाई फाइनली देखो कुछ शेप ऐसी आ रही है। अब ऐसे फोकस क्यों नहीं हो रहा आज, कैमरामैन फोकस हो जा। हाँ ये देखो ऐसे टाइप का है, थोड़ा ओवल शेप का ही, इसे सारे बास भर दूंगा तो ये रेडी हो जाएगा। सब्सक्राइबर अभी फिर आया था, पता नहीं कहाँ चले गया, मैंने उसे बोला भाई और भाई है तेरे, उन्हें भी लिया, वो बाहर खड़े रहेंगे, वो अभी तक आया ही नहीं पता नहीं क्यों। अब यार भाई समझा करो यार, मत आओ। और भाई दो सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तुम्हें ये बताओ तुम्हें घर किसने बताया, सच बताना भाई। अच्छा तुम्हें चुपके से आवाज आ गई, अच्छा कैसा लग रहा रावण? तो ओके है पक्का, आओगे दशहरे पे देखने? देख लो कहाँ पे। अच्छा तू ही कमेंट करता है वो? अच्छा इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था तूने, मैसेज तूने किया था वो? अच्छा अच्छा ये क्या बन रहा बता, कुछ है अंदाजा? तलवार तो हो रही पीछे, बाहुबली मूवी देखी है, उसमें वो नहीं होता बल्लाल देर के हाथ में वो है चैन जिसमें होती है लगी हुई, वो है ये, सही है। तो फाइनली भाई देखो ये बन के रेडी है, ये कुछ ऐसा गदा टाइप है, गदा ही होता है ये, बस इसमें चैन बाहर आ गई तो अलग हो जाता है, और इसमें और बास भरने को हम भर सकते हैं, देखते क्या करना है। तो एक शेप रेडी हो चुकी है, बस ऐसी था, इसकी अब चैन बनानी है, वो तो किसी और चीज़ से बनेगी, उस टाइम ही डेकोरेशन वीडियो में। फाइनली बॉल रेडी है, ये देखो घूम के भी दिखाएगी बॉल, और इसका ये नीचे का हिस्सा, ठीक है अब इस पे चढ़ाते हैं पेपर जल्दी जल्दी, और फिर बताता हूँ क्या है ये।
चुकी है तलवार और ये भी रेडी हो चुका है। ये गदा नहीं है कहीं, ये तो मैंने ऐसे ही रखा है अभी थंबनेल लेने के लिए। ये कुछ ऐसे रहेगा, ये रहेगा ऐसे कुछ ज़मीन पे ऐसे ही, ठीक है। इसमें से चैन जारी होगी और ये रावण ने ऐसे पकड़ रखा होगा हाथ में, मैंने भी आपको दिखाया अभी था फोटो में। बाकी ये रहा इसका कुछ हाथ, बाकी आज का काम था बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में पेंट चालू करते, कोशिश करते पेंट का, और पेंट करेंगे, स्किन कलर बनाएंगे कैसे उस सब मैं आपको दिखाऊंगा, कितना पेंट मेरा लगेगा, आधा लीटर, एक लीटर, दो लीटर, पाँच लीटर, जितना भी लगेगा मेरा पेंट सब कुछ दिखाऊंगा क्या डिज़ाइन। तो भाई फिलहाल मैं रावण के लिए पेंट लेने आ गया हूँ, फेस पे पेंट वगैरह करना है, और मैं आया हूँ किशनगंज, आता है शायद ये किशनगंज के एरिया में आता है ये एरिया, यहाँ पूछता हूँ यहाँ मिल जाए। NML लेना है वाइट कलर का, आधा किलो मेरे पे पड़ा है, आधा किलो और लेना है। तो भाई मैंने तारपीन का तेल ले लिया छोटी डब्बी, दो ब्लैक वो सॉरी रेड और येलो ले ली, एक ये NML ले लिया आधा किलो, आधा लीटर ML 500 ML ये ले लिया भाई, आधा पड़ा मेरे को। तो भाई सारा सामान मैंने ले लिया है, बाकी अब देखते हैं पेंट हमें किस दिन करना है। थोड़ा पेंट को यार अभी मैं सोच रहा हूँ गैप दे दूँ, टाइम दे दूँ, क्योंकि यार अगर उसका कलर लाइट हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी अगर अभी मैंने कर दिया। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कलर करते हैं क्या करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।